नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और WCC2 का टेस्ट मैच का अपडेट आ चुका है जिसके अंदर हमारे यूनिफॉर्म के पीछे नाम आ गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारा सारा डेटा मिट गया है। ACs में जो हमने 3 दिन खेले थे वो मिट गए हैं, तो मैं यहाँ पर नया ACs का टूर्नामेंट शुरू कर रहा हूँ और सीधा ऑटो प्ले करते 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 डायरेक्ट Day 4 पे जाऊँगा ताकि जो हमारा गेम प्ले है वो रिदम वापस से आ जाए। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बताऊँगा नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ तो फिर भाई बहुत ही अनफेयर होगा ये। जैसा पुराने वीडियो में हुआ था वैसा ही हुआ, इंग्लैंड की यहाँ पहले बैटिंग आई है। मैं एंड ऑफ द डे करने वाला हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि भाई नई अपडेट ने सब कुछ बिगाड़ दिया है हमारा। स्किप करंट डे करेंगे, बहुत पैसे खर्च होने वाले हैं मेरे, मुझे मालूम है ये बात। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं मैच पर से पकड़ भी खो दूँ। 2 दिन हमने पूरा स्किप किया है यहाँ पे, अभी नहीं हुआ है, अभी टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर अब करेंगे हम लोग। हम अपडेट के बारे में भी बात करेंगे कि अपडेट में क्या है, कैसा रहा है, मज़ा आया है कि नहीं, और मज़ा आया है तो कितना मज़ा आया है। यहाँ पर इसका स्टम्प होता हुआ Day 2। अब मजबूरी ये है कि पूरा मेरा जो कलेक्शन था कॉइन का सब खत्म हो जा रहा है इस ऑटो प्ले में। स्किप करंट डे करेंगे फिर से हम लोग, ये आखिरी होगा स्किप डे क्योंकि Day 3 ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यहाँ बैटिंग में भी आ गई है, हम सारी चीज़ें देखेंगे। मैं हाल फिलहाल फटाफट बस ख़त्म कर रहा हूँ किसी तरह, एंड ऑफ द डे कर दूँ आज का ताकि Day 4 से शुरुआत करें और अब हमारा यहाँ पे गेम शुरू होगा। मैं पहले तो देखूँगा हालात क्या है, क्या हुआ है। वो वाला मैच तो अपडेट में मिट गया, लेकिन इस नए मैच में क्या हुआ है। तो इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया, 328 पे 10 बनाए। ऑस्ट्रेलिया लीड नहीं उतार पाया है, ऑस्ट्रेलिया लीड नहीं उतार पाया और इस समय 7 विकेट खो चुका है इंग्लैंड। चौथे दिन की शुरुआत होने वाली है और लीड लेके बैठा है काफ़ी बड़ी, लगभग 280-290 के आसपास होगी। एग्जैक्ट मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जब आएगी तब मैं देखूँगा। गेंदबाजी मैं स्पिनर से ही कराऊँगा और आप नया UI देख सकते हैं, काफ़ी बदल गया है। ऑरेंज कलर जो हर बार की तरह सबसे ज़्यादा होता था इस गेम में वो अब हट चुका है, अब आपको और ब्लू कलर ज़्यादा दिख रहा है, तो अच्छी बात है, कुछ नया है, कुछ चेंज है। बल्कि मैं तो ऐसा चाहता था कि हर एक गेम मोड में अलग अलग UI हो, लेकिन टेस्ट मैच में ऐसा है। मुझे एक चीज़ यूनिफॉर्म में सबसे ख़राब लगी और वो है कि यहाँ पर आगे की तरफ कोई लोगो नहीं है किसी टीम का, वो उसके कारण भाई घूम फिर के मुझे पूरा बेकार ही लग रहा है अपडेट। यानी ये टेस्ट मैच का जो यूनिफॉर्म है ना वो फील ही नहीं आ रहा, आगे लोगो तो होना ही चाहिए तो ही मतलब है कुछ, पूरा वाइट कपड़ा है आगे से, मज़ा नहीं आ रहा देखने में, एक अजीब सा ख़राब फीलिंग आ रहा है मुझे। 290 की लीड बैट ले बैठी है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ मेरा गेम प्ले का जो हिस्सा है यहाँ पर, मैं पूरा 20 ओवर खेलने वाला हूँ, पूरे के पूरे 20 ओवर हम लोग खेलेंगे यहाँ पे, पहला सेशन पूरा खेलने वाले हैं। और 290 की लीड लेके बैठा है इंग्लैंड, यानी कि आज का दिन तो समझ लो हमारा गेम प्ले में ख़त्म नहीं होने वाला है। Day 5 हम लोग देखेंगे, हमारा जो वो वाला गेम प्ले था जिसमें हम लोग मैच खेला था अपडेट के पहले का, उसके अंदर Day 4 में रिजल्ट आने वाला था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया खेला है दोनों टीमों ने और मैच को इंटरेस्टिंग बनाया है, ये बात की मुझे खुशी है। रियल मैच की बात करें तो इस समय एग्जैक्ट इस समय 151 पे 2 खो चुकी है इंग्लैंड। फर्स्ट इनिंग ही चल रही है, Day 3 चल रहा है, तो वहाँ पर तो भाई बारिश ने पहला दिन बिगाड़ा था, अंधेरे ने पहला दिन बिगाड़ा था, तो काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर ओवर की बात करें तो सिर्फ 1 रन आया है ओवर से। अब गेम प्ले में क्या चेंज हुआ है वो मैं खेलूंगा तो ही पता चलेगा, अभी मैं फिर यही पहला ही मैच है इस नई अपडेट में और सीधा टेस्ट मैच है, तो देखते हैं क्या होता है। और इंग्लैंड का जिस तरह से स्कोर कार्ड ऊपर लिखा है ना, मुझे बार बार ये देखिए नाथन लियोन ने स्ट्राइक किया है यहाँ पर, बड़ा विकेट सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर, और डिजर्व करते हैं ये सेलिब्रेशन। नई अपडेट में सेंचुरी और हाफ सेंचुरी और डबल सेंचुरी सबके लिए नए एनिमेशन ऐड किए गए हैं, तो वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हुआ है उसमें, कैसे ऐड हुआ है। स्टुअर्ट ब्रॉड आएंगे, इनका रिकॉर्ड रहा है कि काफ़ी सेट होके खेलते हैं, लेकिन आज नाथन लियोन की गेंदबाजी को कैसे झेल पाएंगे वो देखना होगा। हाँ, आजू बाजू आप देख सकते हैं पीछे की तरफ भी काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं, बाउंड्री लाइन पर भी काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। जो बहुत सारे लोगो आते थे बहुत सारे कलर वाले, वहाँ पर सिर्फ एक ही कलर का लोगो आ रहा है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं, अगर डेवलपर से वीडियो गलती से नज़र आ गई हो डेवलपर को, तो प्लीज़ 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 आगे की टी शर्ट में आगे कुछ ना कुछ लोगो लगाओ, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है इन लोगों को देखना। आगे से पूरा वाइट, पीछे से इतना रंग वंग और कलर वाला नाम वाम लिखा है, लेकिन आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। जो कि क्लब क्रिकेट होता है उसमें भी ऐसा नहीं होता, क्लब क्रिकेट में भी होता है कि भाई आगे कोई ना कोई लोगो या नाम लगा होता है कंपलसरी, इस गेम में कुछ भी नहीं है ऐसा।
वो थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, बाकी सब बढ़िया है। ऊपर बल्कि जो इंग्लैंड का स्कोर कार्ड ऊपर की तरफ लिखा रहा है वो मुझे स्टार स्पॉट लगा है, ऐसा लग रहा है ब्लू कलर का। पहले लोगो था स्टार स्पॉट्स का ब्लू कलर का, मुझे बार बार वो लग रहा है कि वो लिखा हुआ है यहाँ। पूरा सेशन खेलना है इसलिए मैं ओवर का ध्यान नहीं दे रहा हूँ। हाल फिलहाल 293 की लीड है, सिर्फ 3 रन दिए हैं हमने, और यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ, हैरिस ने यहाँ पर स्ट्राइक किया है यहाँ पर, और एक और झटका लगता हुआ। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि ये गेम का गेम प्ले अच्छा हुआ है कि खराब हो गया है। बैट्समैन को और अच्छा खेलना चाहिए था, बट हो रहा है बिल्कुल उल्टा, और खराब खेल रहा है बंदा। तो मेरी समझ के हाल फिलहाल तो पूरा बाहर है। मुझे चाहिए था थोड़ा चैलेंज, लेकिन चैलेंज तो कुछ दिखा नहीं है मुझे अभी तक, बल्कि आसानी से यहाँ पर विकेट गंवा रहे हैं। जेम्स एंडरसन आ गए हैं, और यहाँ पर इंग्लैंड 293 की लीड है, आराम से कर लेगी ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से। जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है मुझे तो लग रहा है आराम से कर लेगी। एक और बात मैं बता दूँ, क्रिकेट 19 आ चुकी है, मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगा जल्दी, तो देखेंगे चैनल पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा WW2K19 भी है, क्योंकि क्रिकेट और WW ही एक ऐसी चीज़ है जो भाई इंडियन और इंडियन लोगों को हमेशा से इंटरेस्टिंग लगी है। रेसलिंग और क्रिकेट बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर डॉट खेल रहे हैं, लेकिन डॉट से क्या होगा, इंग्लैंड के स्कोर कार्ड में कुछ हो नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम की बात है। सिर्फ 3 रन बना पाए हैं अभी तक, और दोनों विकेटें बोल्ड हुए हैं, कट एंड बोल्ड, दोनों कट एंड बोल्ड हुए हैं, मिस हुए हैं, बोल्ड हुए हैं, बल्ले का किनारा रखे गई है गेंद, तो भाई यहाँ पर संभलने का वक्त है। बैक फुट पे खेला हुआ शॉट, ये अच्छा गेंद खेला है, गैप में गई है, 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। फाइनली बाउंड्री लगी इंग्लैंड की स्कोर कार्ड से। मैं चाहता हूँ कि बड़ा स्कोर खड़ा हो, ताकि आखिरी दिन जब हमारी बैटिंग आए तो मज़ा आए बैटिंग करने में, क्योंकि अभी तक जितने टेस्ट मैच हुए हैं मेरे सारे के सारे बोरिंग, बोरिंग तो नहीं लेकिन 5वें दिन में इंटरेस्टिंग कभी नहीं हुआ है, सारे के सारे मैच 4थे दिन पूरे हो गए हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, मैच का रिजल्ट तो आएगा ये तो मुझे लग रहा है, क्योंकि एक दिन मैं बैटिंग कर नहीं पाऊंगा, ऑटो प्ले करूंगा तो भी मैं एक दिन बैटिंग नहीं कर पाऊंगा, तो देखना होगा। ऊपर से आज भी 2 सेशन ऑटो प्ले होने वाले हैं, तो फिर भाई साहब बहुत कुछ हो सकता है इस गेम में। मान लो कि भाई 2 सेशन में 7 विकेट गिर गई ऑस्ट्रेलिया की, तो कल के दिन हम मेरे को अकेले को पहले सेशन में लगभग 200-250 रन करने का हो सकता है। अगर हमने यहाँ पर ये पूरा सेशन इंग्लैंड को खिलाया, इंग्लैंड डिक्लेयर करती है अपनी इनिंग, या तो ऑल आउट होती है ये सेशन में, और फिर जो 2 ऑटो प्ले होंगे उसमें अगर 7 विकेट गिर गई तो, मैं कह रहा हूँ, और इसके बाद भी 2 सेशन है इस दिन में। फील्डिंग काफ़ी बढ़िया हो रही है, या तो गेम प्ले का लॉजिक बदल गया है कि भाई साहब शॉट ही नहीं मार पा रहे, वरना जनरली शॉट लगा लेता है बंदा, इतनी गेंदें डॉट कभी नहीं डालता। देखिए यहाँ पे एक और चौका लगता हुआ, अश्वत ब्रॉड जो कि बहुत ही शांत खेल रहे थे, फाइनली उन्होंने भी अपना थोड़ा बहुत जोर जोर दिखाना शुरू किया है, और मैं तो काफ़ी खुश हूँ परफॉर्मेंस से, अपनी टीम के भी परफॉर्मेंस से खुश हूँ, और मैच का जो ओवरऑल हालत है उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो मैं चाहता था एग्जैक्ट हाल फिलहाल वैसा ही है माहौल। डिफेंस करते हुए सिंगल का कॉल नहीं दिया है यहाँ पे, काफ़ी डिफेंसिव रहा है माहौल। ओवर की बात करें तो 59th ओवर पे पहुंच रहा है ये मैच, ये इनिंग 59th ओवर पे पहुंच रही है। बढ़िया 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 फील्डिंग यहाँ पे दिखाते हुए, 300 की लीड क्रॉस कर गई है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे 300 रन क्रॉस कर गई है जो कि अच्छी बात है। Day 4 सेशन 1 चल रहा है इस वक्त, लीव कर रहे हैं गेंद को, पर पैरों पर जाके लिया है गेंद को, अगली गेंद फिर से अंदर की तरफ रखेंगे, बढ़िया जा रहा है, डॉट जाता हुआ एक और, 301 की लीड के साथ, तभी भी 2 विकेट हैं हाथ में, नहीं 1 विकेट है सॉरी, 250 पे 9 गिर चुके हैं, मुझे 8 लगा पता नहीं क्यों, 9 विकेट गिर चुके हैं यहाँ पे इंग्लैंड के। और 59th ओवर का आखिरी गेंद यहाँ पर फेंकेंगे, और बढ़िया शॉट खेला है, सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। अगले ओवर में मैडन ओवर जा रहा था, लेकिन सिंगल ने यहाँ पर इसको बना दिया है 1 रन वाला ओवर। ओवर की बात करें, पैटरसन ने 1, 2, 3 लिए हैं, कमिंस ने 2 लिए हैं, नाथन लियोन ने 2 लिए हैं, हैरिस ने 1 लिए हैं, और बदकिस्मती देखिए हमारे वो वाले मैच में जो अपडेट के कारण डिलीट हुआ है उसके अंदर भी मिचेल स्टार्क को विकेट नहीं मिला था, और इस गेम में भी मिचेल स्टार्क को कोई विकेट नहीं मिला है। तो या तो फिर भाई ये गेम मिचेल स्टार्क को पसंद नहीं करती, या तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मिचेल स्टार्क एक बार फिर बिना विकेट के हैं इस पूरे मैच में, पूरी इनिंग में तो एग्जैक्टली हैं ही, क्योंकि 9 विकेट गिर चुके हैं, मुझे लगता नहीं अब इनको विकेट मिलेगा भी सही।
89% कॉन्फिडेंस पैरों पे खेल रहे हैं गेंदों को, अंदर की तरफ मैं डाल रहा हूँ ताकि लीव तो ना करें कम से कम। लीव करेंगे तो भाई सीधा सीधा कुछ ख़त्म हो जाएगा मैच, तो मैं वो नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि भाई साहब खेलें गेंद को। 91% कॉन्फिडेंस यहाँ पर कर चुके हैं, बढ़िया शॉट लेकिन प्लेयर के हाथों में गया है। यहाँ पर सेशन वन अभी भी चल रहा है, मेरे ख्याल से 15 ओवर बाकी होंगी, 12 से 15 ओवर का खेल अभी भी बाकी होगा इस सेशन में। इंग्लैंड लीड ले चुका है 304 रनों की, बहुत ही क्लोज कॉल था। अपील करने जा रहे थे लेकिन बॉलर फिर उनको लग गया कि नॉट आउट है, तो अपील नहीं की, क्योंकि हम लोग समय नहीं बिगाड़ते जैसा कि अपोनेंट बिगाड़ता है। खास करके रियल क्रिकेट 19 में तो भाई हर एक बार आउट दे देता है, अपील कर लेता है। हैरिस यहाँ पे वापस से आए गेंदबाजी करने, 62% कॉन्फिडेंस है। एक पार्ट टाइम बॉलर हैं ये, कोई बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं करते, बल्कि रियल लाइफ में तो शायद करते ही नहीं होंगे, लेकिन हमने इनको मौका इसलिए दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं स्पिनर के थ्रू ही विकेट लूँ। तेज गेंदबाजों के साथ तो हमने T20 वनडे में बहुत सारे मैच खेले हैं, लेकिन असली मज़ा और असली चैलेंज जो है वो यहाँ पर है। 66% का कॉन्फिडेंस लेके बैठे हैं हैरिस और एंडरसन, यहाँ पर आमने सामने हैं एक दूसरे के। 3 गेंदों में अभी तक 1 रन दिया इन्होंने, 305 रनों की लीड। सिर्फ शॉट खेला है, कैप में नहीं जा पाया है, कोई बात नहीं, इंग्लैंड हाल फिलहाल टिकी हुई है, वही बहुत बड़ी बात है। मुझे ये भी मालूम है कि ऑटो प्ले करेंगे वैसे ही 2 से 3 ओवर में ही आउट हो जाएंगे ये, तो इसलिए मैं इनको चाहता हूँ कि सर्वाइव करें, जितने ज़्यादा रन बना सकते हैं बनाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा रन ये लोग बनाएंगे हमारे लिए मैच जीतना उतना टफ होगा और उतना इंटरेस्टिंग होगा, चैलेंज रहेगा, क्योंकि हार्ड मोड में मज़ा नहीं आ रहा है अभी मेरे को टेस्ट मैच में। रियल क्रिकेट 19 फिर भी थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहता है, लेकिन WCC2 का हार्ड मोड काफ़ी हद तक आसान रहा है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऑटो प्ले कर देता हूँ और एक सेशन खेलता हूँ इसलिए आसान है, पूरा खेलो तो शायद बहुत मुश्किल हो जाए मेरे लिए भी। हाल फिलहाल बहुत ही बढ़िया चौका लगा है, रिप्ले हम जरूर देखेंगे क्योंकि बहुत ही कम लग रहे हैं चौके इंग्लैंड की इनिंग में। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया गैप, प्लेयर के काफ़ी नज़दीक से गई थी, हर बार तो डाइव लगा लेते थे लेकिन इस बार डाइव लगाने का मौका नहीं दिया। यहाँ बहुत ही अजीब ढंग से गेंद डाल रहे हैं ये, 94% कॉन्फिडेंस है। अगर वो चौका नहीं गया होता तो शायद 100% भी हो सकता था, अभी भी हो सकता है, 96 हो गया होगा, 95 हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रन निकाल लिए हैं। जी हाँ 96 हो गया है, सॉरी 96 पे पहुँच गए हैं। अगली गेंद फिर से अंदर की तरफ रखेंगे, बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद है, सिंगल का कॉल दिया है और यहाँ पर पूरा करते हुए रन एक ही लिया है इस बार। 98% है, मैं स्लोअर गेंद डाल रहा हूँ, अभी तक एक बार भी मैंने नहीं डाली है, तो देखना होगा कि क्या करते हैं इस बार। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की है, गैप में गया है और यहाँ पे लगता हुआ शानदार चौका। समझना हाल फिलहाल काफ़ी मुश्किल हो गया है कि किस तरह से इनको कंट्रोल मिला। एक्चुअली कंट्रोल के बारे में मैं सोच ही नहीं रहा, सिक्स मारा है इन्होंने, पहला सिक्स लगाया इस गेम का, हमारे गेम प्ले का, हमारी इस नई अपडेट का पहला सिक्स लगाया, तो काफ़ी दुख भी हो रहा है कि इतनी जल्दी हमने टेस्ट मैच में सिक्स खा दिया है। 318 की लीड ली है हाल फिलहाल, अभी भी मैं मानता हूँ कोई बहुत बढ़िया सिचुएशन में नहीं है, बस एक डर मुझे जो ये है कि कहीं ऑटो प्ले में हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जैसा कि हमने देखा हमने ऑटो प्ले किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑटो प्ले अच्छा नहीं हुआ है, लीड भी नहीं उतार पाई है। अगर ऐसा कुछ हुआ तब हमारे लिए जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, रन बटा रहे हैं, रन गंवा रहे हैं, आराम से खुश हो रहे हैं कि अच्छा है, चैलेंजिंग हो रहा है मैच, वहाँ पर हम पछताएंगे अगर ऑटो प्ले में गलती हुई कहीं तो। Day 4 session 1 कंटिन्यू है यहाँ पर, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इसी स्टेज का मैच, दूसरी इनिंग चल रही है, इंग्लैंड की आखिरी विकेट पिच पर है और स्पिनर यहाँ पे अटैक में लगाए गए हैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर वो चैलेंज में कि आउट करेंगे तो स्पिनर से करेंगे, वरना हम लोग पूरा सेशन इन्हीं के साथ खेलेंगे। 82% कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़िया आ रहा है, फिर से बढ़िया ओवर कर रहे हैं, ओवर तो बहुत बढ़िया किए हैं इन्होंने, लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि अभी पिछले कुछ ओवर से विकेट नहीं मिल पा रही है इनको, तो बस ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इनका। अगली गेंद करेंगे यहाँ पे, स्लोवर रखिए गेंद, बाहर की तरफ रखिए गेंद, एंगल तो अंदर की तरफ आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम है नहीं, एंगल तो असल अंदर की तरफ आ रहा है तो प्रॉब्लम है नहीं। नाथन लियोन वापस से आएंगे यहाँ पर,
देखना होगा कि क्या कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि 100% की गेंद आने वाली है। मैं यहाँ पर गुगली और दूसरा उसरा नहीं डालूंगा, मैं टॉप फ्लिपर डालूंगा। या तो टॉप स्पिन भी डाल सकता हूँ, डिपेंड करता है क्या कौन बैट्समैन है, क्या है। एंडरसन खेल रहे हैं ना, फ्लिपर डालता हूँ इनके लिए, फुल स्पीड से फ्लिपर डाल रहे हैं हम लोग। मिडिल स्टंप पे रखेंगे ताकि अगर बीट होते हैं तो पैरों पे लगे या तो फिर आउट हो जाएं। लेकिन भाई साहब खेल गए हैं, ये तो सिंगल नहीं लिया है लेकिन खेल गए हैं, सर्वाइव कर गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अंदर की तरफ रखिए गेंद, पैरों पर जा रही है सीधा, लेकिन फिर से शायद डॉट जाएगी गेंद। 320 की लीड ली है, 290 थी जब गेम प्ले शुरू हुआ था हमारा, 290 थी लीड और इस समय 320 हो चुकी है। और पहला सेशन 20 ओवर का है, हम लोग पूरा 20 ओवर खेलने वाले हैं यहाँ पर, तो देखते हैं किस तरह का खेलते हैं, परफॉर्मेंस किस तरह का मिलता है। 71% यहाँ पर है कॉन्फिडेंस, अभी अभी 100 हुआ था लेकिन उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए, ज़्यादा उठा ही नहीं पाए। नाथन लियॉन वर्सेस जेम्स एंडरसन, नई अपडेट आई है, नए प्लेयर आए हैं और ठीक है, लेकिन बस वही एक प्रॉब्लम मुझे जो लगी है वो बस ये है कि यार प्लीज़ इन लोगों को वो करना था, आगे की तरफ कुछ ना कुछ लोगो डालने थे, जो थोड़ा सा तो ऐसा लगना चाहिए टेस्ट मैच है, ये तो लग रहा है बस वही है, बस आगे से कलर डाल दिया है, आगे से पीछे से एक नंबर डाल दिए, नाम और नंबर। अगर आगे लोगो आ जाता ना चेस्ट के ऊपर तो मज़ा आ जाता देखने में, और थोड़ा सा कलर हल्का सा, थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा कलर में भी हल्का सा चेंज हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। 90% कॉन्फिडेंस, स्विप शॉट खेला है, प्लेयर के हाथों में गई है गेंदें, फिर से वही गेंद रखेंगे हम लोग। मैं चाहता हूँ ये मिस करें शॉट को, मिडल पे रखिए ताकि मिस करेंगे तो लैग बिफोर विकेट हो, लेकिन हाल फिलहाल बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, कोई मौका ऐसा नहीं दिया है कि हम लोग बोलें कि यार कैच आउट होगा। सिक्स भी लगा चुके हैं तो सब कुछ देखने को मिला है, सिंगल डबल डॉट गेंदें, मैडन ओवर, एक ओवर वाला ओवर, दो ओवर वाला ओवर देखा है हमने, 10 के ऊपर वाले भी देखे हैं, तो हर तरह का क्रिकेट देखने को मिला है। वन डे T20 टेस्ट तो है ही, यहाँ पर देखिए मैडन ओवर अभी अभी चला गया है, नाथन लियॉन वापस से आए हैं यहाँ पर। Day 4 Session 1 कब एंड होगा मैंने कैलकुलेट किया नहीं था तो इसलिए मुझे आइडिया है नहीं यहाँ पर। अगली गेंद 77% कॉन्फिडेंस है और ये देखिए ऊंचा शॉट, कैमरा एंगल अलग आया था लेकिन यहाँ पर कैमरा एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, विकेट गंवाती हुई यहाँ पर इंग्लैंड की टीम। ऑटो प्ले की हम लोग बात कर रहे थे कि हम ऑटो प्ले करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे भाई, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है कि यहाँ पर हमको खेलना पड़ेगा सेशन वन में कुछ गेंदें, और फाइनल स्कोर हमारे सामने आ चुका है, अब कुछ ही देर में मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कितने रन हमें करने हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड यहाँ पे आउट हुए 24 गेंदों में 10 रन बनाकर, आखिरी विकेट थी नाथन लियॉन की ही किस्मत में आई है, और बॉलिंग में 3-3 विकेट लेके पैटरसन और नाथन लियॉन रहे हैं टॉप पे। हैरिस कमिंस को 2-2, एक बार फिर मिचेल स्टार्क ने निराश किया है, कोई विकेट नहीं। आप देख सकते हैं कि पहली इनिंग में भी 5 विकेट कमिंस और 4 विकेट पैटरसन ले गए थे, तो मुझे नहीं लगता स्टार्क को वहाँ भी विकेट मिला होगा। एक चीज़ हमने बहुत अच्छी की है कि 270 पे ऑल आउट किया इंग्लैंड को, जिसने 328 बनाए थे पहली इनिंग में, और अब होगा रन चेस जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन में बदलाव हुआ है, मुझे लग रहा है ये दोनों साथ में आते थे पहले, अभी पीछे आ रहा है बंदा भगवान का नाम लेते हुए। हैरिस यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वार्नर भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, दोनों लेफ्ट हैंडेड करेंगे शुरुआत, और मैं आपको एक बार टारगेट दिखा देता हूँ, 322 रन और ओवर हमारे पास हैं कल के दिन के 60 ओवर और आज के दिन के 40 ओवर, इसे मिला के होंगे टोटल 100 ओवर जितना है हमारे पास, 100 से ज़्यादा ही है मैं तो कहता हूँ, और रन रेट लग समझ लो 3 का रन रेट तो कम से कम है यहाँ पे। फील्डिंग सेटअप बहुत ज़बरदस्त है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने इस तरह का ओपनिंग में बहुत लंबे समय बाद मैं खेल रहा हूँ टेस्ट मैच में, ओपनिंग का मैच कि ओपनिंग के साथ ओपनिंग जो गेंद होती है उसको पहली बार बहुत लंबे समय बाद खेल रहा हूँ, नहीं तो मोस्टली मैं ऐसी सिचुएशन में आता हूँ कि जब अंत हो रहा होता है दिन का। रन तो बन रहे हैं, फील्डिंग सेटअप बहुत अच्छा लगाया था लेकिन अब चेंज कर दिया है, तो मैं मानता हूँ कि गलती कर रहे हैं, मैं बड़े शॉट लगाऊंगा लेकिन गैप में ही। परफेक्ट मीटर भी आप देख सकते हैं, लोकेशन चेंज हो गया, लोकेशन क्या पूरा का पूरा परफेक्ट मीटर खड़ा जो खड़ा था वो सीधा हो गया बेचारा।
फ्लिक शॉट करते हुए, गेम प्ले में कुछ चेंज नहीं दिख रहा है मुझे, ये बात मैं मान रहा हूँ। अभी तक मुझे गेम प्ले में कोई ऐसा चेंज नहीं दिखा जिसको मैं बोल सकूँ। एनिमेशन में भी सिर्फ वही एक एनिमेशन मुझे अलग लगा जो आपने देखा था, ओपनर्स जो आ रहे थे वो साथ में आते थे, वो अब एक ओपनर पीछे आ रहा है ऊपर देखते हुए भगवान का नाम लेते हुए, उसके अलावा तो मुझे कोई चेंजेस दिखे नहीं यहाँ पर। मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये सेशन में ओवर कितने बाकी हैं ताकि मैं उस हिसाब से खेल पाऊँ, क्योंकि अब गेंदे ये देखिए, इसीलिए मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ था। मेन क्रेडिट जाता है फील्डिंग सेटअप को, क्योंकि शॉट तो मैंने परफेक्ट खेला था, शॉट मैंने परफेक्ट खेला था, इसके बावजूद भी मैं बोल्ड हुआ हूँ, तो इसका तो कोई जवाब है नहीं मेरे पास, इसका तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास। डेविड वॉर्नर यहाँ पे आउट हुए हैं और एक और लेफ्टी बैट्समैन को बुलाया गया। मैं गैप में खेलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो ये है कि यहाँ पर तो भाई बहुत मुश्किल हो रहा है, गेंदें स्विंग हो रही हैं। अभी अभी मैंने अपनी स्ट्रीम शुरू होने से पहले, ये प्रीमियर शुरू होने से पहले मैंने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि यार ये WCC2 तो बहुत ही आसान गेम है, लेकिन मैं अभी पछता रहा हूँ हाल फिलहाल ऐसा बोल के। अगली गेंद, अरे बाप रे, फिर से वही रखे हैं, मैं फिर से गैप में खेलने की कोशिश है मेरी, लेकिन इस बार किस्मत साथ दी है कि पहले ही पिच खा गई है। अगर पिच नहीं खाई होती पहले तो भाई साहब आउट हो सकते थे। एक बार मैं रिप्ले आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ये रिस्की शॉट लिया था इन्होंने। अब जाके फील्डिंग ओपन हुआ है, बढ़िया मौका है यहाँ पे बड़े शॉट लगाने का, गैप में खेलने का, बड़े शॉट तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन गैप में खेल के चौके लगाने का, और वही हुआ है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया तरीके से लगाए चौका। रिप्ले हम देखेंगे एक बार इसका, बढ़िया शॉट किया था, फ्लिक किया था गेंद को और फिर गई है गेंद 4 रनों के लिए। अगली ओवर, अगली गेंद, 9 रन आ चुके हैं ओवर से, लेकिन बड़ा विकेट खोया था और एक बार फिर से बीट होते हुए। ये चीजें पिछली अपडेट में मेरे से नहीं होती थी, इतनी बार मैं बीट नहीं होता था। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि क्या ऑस्ट्रेलिया ये पूरा दिन सर्वाइव कर पाएगी इस तरह के विकेट खोने के बाद, वो देखना मुश्किल होगा। स्टीव स्मिथ आए जरूर हैं लेकिन ये एक गेम है, इस गेम में वो किस फॉर्म में है वो तो फिर बाद में ही पता चलेगा। हाल फिलहाल तो भाई बहुत ही मुश्किल में आ गई ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हुआ है 15-19 रनों पे 2 विकेट गंवा दिए हैं। मैं सीरियसली चाहता हूँ यहाँ पे जल्दी ओवर ख़त्म हो, पहला सेशन ख़त्म हो, क्योंकि अगर सेशन ख़त्म नहीं हुआ तो होगा ये कि हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं गैप में खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे बाप रे भाई, गजब गेंदबाजी यहाँ होती हुई। और गेंदबाजी तो छोड़िए, गेंदबाजी तो ठीक है, गेंदबाजी तो ऐसे ही होती है हर बार, लेकिन क्रेडिट जाता है कप्तान को जिन्होंने भले चौके पड़ रहे हैं, 9-10 रन आ रहे हैं ओवर में, लेकिन फील्डिंग ऐसी रखी है कि जहाँ पे हमारा खेलना मुश्किल होता है। और मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ जो मैंने कहा था कि WCC2 बहुत ही आसान गेम है, मैं वापस ले रहा हूँ वो शब्द, अपने वापस ले रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और गलती कर दी मैंने ऐसा बोल के कि WCC2 आसान गेम है और वन साइडेड गेम है। यहाँ पे मुझे एहसास हुआ है गलती का, मैं फिर से ऑफ साइड खेलूँगा लेकिन पूरा का पूरा शॉट जो खेलने वाला हूँ गैप में खेलने वाला हूँ। बढ़िया खेला है इस बार, अच्छी बात है। अब सवाल बस ये उठ रहा है कब तक खेल पाएंगे हम लोग ऐसा, कितनी देर और, क्योंकि गेंदें जो आ रही हैं सारी की सारी ऑफ साइड में आ रही है और मेरे को मालूम है मैं डिफेंस तो कर ही नहीं सकता यहाँ पे। देखिए ये देखिए डिफेंस में क्या हो रहा है यहाँ पर, पूरी तरह से एक्चुअली हालात ऐसे हो गए कि ऑटो प्ले नहीं कर सकता मैं ऑटो प्ले करूंगा एंड ऑफ द डे होगा जब तो खत्म हो गया होगा मैच, बहुत मुश्किल है। कौन आउट हुआ, स्मिथ तो नहीं आउट हुए, हेड आउट हो गए हैं, जो भी आउट हो रहा है भाई बड़े ही प्लेयर आउट हो रहे हैं सब, क्योंकि इसके बाद नीचे के ऑर्डर में तो कोई खिलाड़ी है ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के पास जो। और ये देखिए गेंदें आराम से उड़ते उड़ते जा रही हैं, तो वो चीज़ मेरे समझ में भी नहीं आई क्यों ऐसा है। फिर से हम लोग अटैक करेंगे, लेकिन करें तो करें कहाँ, कई लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई सामने की तरफ खेल, भाई सामने की तरफ तो खेलना ही बेकार है, मैं सामने की तरफ खेलूंगा तो स्लिप में गेंद चली जाएगी या तो फिर कैच आउट हो जाए, बोल्ड हो जाएंगे, तो इसलिए मैं सामने की तरफ नहीं खेल रहा हूँ, पीछे की तरफ खेलने की कोशिश करने वाला हूँ, बस गलत शॉट ना आए कहीं उल्टे सीधे। हाल फिलहाल सिंगल आया है, वो भी 3-3 प्लेयर गेंद के पीछे पड़े हैं, एक समय तो मुझे लगा कैच आउट भी हो सकते हैं हम लोग, अभी के लिए बच गए हैं, पर आगे की गेंद पे क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता।
इस बार पहुंच गया है प्लेयर तक, लेकिन सिंगल ले गए हैं। स्टीव स्मिथ कोशिश कर रहे हैं अकेले, जिस तरह की रियल लाइफ में अकेले कोशिश करते हैं जिताने की, यहाँ पर ये भी अकेले ही कोशिश कर रहे हैं। सिंगल देंगे हम लोग। पता नहीं कैसे ग्राउंड मुझे छोटा लग रहा है गेम में, मैं जैसे बैट पे ले रहा हूँ गेंद वैसे प्लेयर आ जा रहा है बीच में। अब देखिए, अब मेरे पास गैप में खेलने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और देखिए यहाँ पे परफेक्ट शॉट खेलने के बावजूद बीट हुए हैं, परफेक्ट शॉट खेलने के बावजूद हम लोग बोल्ड हुए हैं। इस बार अच्छी बात है कि ग्राउंड शॉट था, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होती है गेंद तो प्लेयर के हाथों में ही थी। मैं गैप में ही खेलने की कोशिश करने वाला हूँ पूरे के पूरे शॉट। और देखिए फाइनली गैप मिला है, मतलब कि चौका भी गया है। इस गेम में ऐसे हालात हैं कि अगर आप थोड़ा भी गैप में खेलते हो तो 4 रन तो कन्फर्म है, लेकिन उस गैप को बार बार हासिल करना एक बहुत बड़े रिस्क से कम नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क है वहाँ पर। और सेशन भी पूरा नहीं हो रहा, प्रॉब्लम यह है कितने ओवर बाकी हैं इस सेशन में मुझे मालूम नहीं पड़ रहा, पर सीरियसली मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि बहुत भारी पड़ रहा है मेरे पे ये सेशन। अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी विकेट गंवा दूंगा कि आधी टीम, लगभग आधी टीम गिर गई यहाँ पे, 4 गिर चुके हैं, 4 मतलब टॉप ऑर्डर ख़त्म है आपका। अब आपका मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के ऊपर ही है डिपेंड गेम। और मैं सबसे ख़राब बात यह है कि 40 ओवर का हिस्सा ऑटो प्ले होगा, और 40 ओवर तो भाई बहुत है किसी टीम को ऑल आउट करने के लिए जिसकी आधी टीम ऑलरेडी पवेलियन जा चुकी है। तो देखना होगा, 291 हुए हैं यहाँ पे, अरे वापस भेजेंगे हम लोग, 290 का बड़ा पीछा कर रही है। बस मुझे किसी तरह से 2-3 विकेट मिल जाए कल के दिन, और 2-3 विकेट मिल जाए कल के दिन और ओवर तो रहेंगे ही, बस आज किसी तरह से ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव कर जाए आज का दिन, बाकी तो मैं कल देख लूँगा। ये गलत शॉट खेला है शायद, लेकिन बच गए हैं अभी के लिए, बस एक गेंद और सर्वाइव कर जाए ओवर पूरा हो जाएगा। 82% लॉफ्टेड मीटर है, इनफ नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं हाल फिलहाल पीछे ही खेलने की। गेंदें बार बार प्लेयर के हाथों में जा रही है, और जितनी बार उस तरफ जा रही है मेरी दिल की धड़कन बढ़ जा रही है। अभी भी ओवर ख़त्म नहीं हुआ है भाई, कब ख़त्म होगा ये सेशन, बकवास। रियल लाइफ में क्या हालत होती होगी आप ये सोचो। ये देखिए गेंद, देखिए कहाँ जा रही है, बकवास, कैच आउट हो गए हैं। स्टीव स्मिथ अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, अब मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया का चौथा दिन सर्वाइव करना हमारी गेम में बहुत मुश्किल है। मैं हार की जिम्मेदारी ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने गलती भरे शॉट खेले, मैं सामने की तरह ऑफ साइड में खेलने में कमज़ोर रहा हूँ, और इसी के कारण यहाँ पर टीम हारती हुई। बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा अब यहाँ से जीतना, मैच को जीतना क्या, सर्वाइव करना ही मुश्किल होगा। आज का दिन खाली सर्वाइव कर जाएं तो कल के दिन तो जीत जाएंगे। आज का दिन सर्वाइव कर जाएं, बस आज का दिन सर्वाइव कर गए तो भाई साहब मैच भी जीत जाएंगे। चौका लगता हुआ हाल फिलहाल के लिए, अभी के लिए। अगली गेंद बीट होते हुए, पैरों के बीच से निकली है गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आया उनको हाल फिलहाल कि क्या करें कैसे खेलें। इस बार गैप में गई जरूर है, लेकिन सिंगल ही लेंगे हम लोग, 2 रन का रिस्क नहीं ले रहे हैं। अगली गेंद फिर से वही फील्डिंग सेटअप है, ऑलमोस्ट वही फील्डिंग सेटअप है, और हमने फिर से वही शॉट खेला है। ओवर पूरा होता हुआ, लेकिन सेशन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है भाई। सीरियसली मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा WCC2 खेलने में आज से पहले कभी नहीं आया जितना आज आ रहा है, क्योंकि अभी भी स्क्रीन पे Day 4 Session 1 लिखा है। मान लो मैंने 6 ओवर भी डाले हों, अगर 6 ओवर भी डाले हों तो अभी 12 ही ओवर हुए हैं। अरे बाप रे, तब तो बहुत सारा गेम बाकी है अभी हमारे साथ होना। लॉफ्टेड मीटर की बात करें तो स्टीव स्मिथ 87 के ऊपर जा चुके हैं, और उनका साथ जो दे रहे हैं टिम पेन वो 53 पे हैं। मुझे लगता है इस नई अपडेट में टिम पेन को थोड़ा सा लेवल डाउन किया गया है, मुझे लग रहा है ऐसा, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है, उनको थोड़ा सा लेवल डाउन डाल दिया गया है। वो इतने लोअर रेटिंग वाले बैट्समैन थे नहीं वो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा किया गया है गेम में। 9 बॉल दिए हैं, लेकिन इस गेम में फ्री हिट तो होता नहीं है टेस्ट मैच में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग अपना अगला गेम का गेम प्ले, और पीछे की तरफ ही खेलने वाले हैं हम लोग शॉट। लेग साइड ही हमारा ठिकाना है, तो हम लोग लेग साइड में ही खेलेंगे। सिंगल ही लेने वाले हैं यहाँ पर फिर से। अगली गेंद पीछे की तरफ ही लेंगे फिर से, एक और शॉट। हाल फिलहाल बढ़िया खेला है, सिंगल आता हुआ। और मैं आपको बता दूं, मेरे सामने इस समय WWE 2K19 प्ले हो रही है,
मैं साथ में रिकॉर्डिंग तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने इंस्टॉल भी हो रही थी WWE 2K19, हो चुकी है और जल्द ही आपको गेम प्ले देखने को मिलेगा इसका, बहुत ही जल्दी। 7 ओवर हो चुके हैं, अभी भी सेशन एंड होने का नाम नहीं ले रहा है। 20 ओवर का सेशन है, मैं आपको बता दूं 20 ओवर का सेशन है, तो भाई 20 ओवर तो खेलने ही हैं। अब हाल फिलहाल फिर से गैप में गई, हम लोग सिंगल ही लेने वाले हैं यहाँ पर। अगली गेंद हम लोग फिर से गैप में ही खेलेंगे, ऑफ साइड में ही। 274 जीतने के लिए चाहिए यहाँ पर, फिर से गैप में खेलते हुए हम लोग। 273 रन पर। आज का जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या ऑस्ट्रेलिया आज के दिन सर्वाइव कर पाएगी? अगर आज का दिन सर्वाइव कर गई ना, तो मैं कोशिश करूंगा कल के दिन ना इसे जीतने की। कई लोगों के मन में सवाल होगा, भाई आज तो जीत नहीं पा रहा है, तो कल कहाँ से जीतेगा? तो भाई ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि फील्डिंग सेटअप जब चेंज हो जाते हैं तो रन भी अपने आप बनने लगते हैं। हाल फिलहाल फील्डिंग सेटअप ऐसा है ही नहीं कि चेंज हो पाए यहाँ पर। अरे भाई बहुत गंदी वाली गेंद डाली है भाई साहब ने। अगली गेंद हम लोग खेलेंगे, आखिरी गेंद है, विकेट मत खोना स्ट्रेस में, क्योंकि आप ही हमारा एक सहारा हो। बाकी सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप ही एक सहारा हो यहाँ पे, जो मुझे लग रहा है कि कर सकते हैं कुछ कमाल। फाइनली, हो फाइनली यहाँ पे पूरा हुआ है और बहुत ज़्यादा मुझे राहत मिली है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो मैंने खाली अपना सेशन पूरा किया है ना, अभी असली गेम प्ले तो ऑटो प्ले में आएगा, बस ऊपर वाले कुछ ऐसी मदद कर दे कि यहाँ पर स्किप करंट डे में बचा हुआ हो। 2 प्लेयर कम से कम बचे हुए हैं बस, और ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। आप लोगों को क्या लगता है, मैं ऑटो प्ले करूँगा तो कितने लोग बचे होंगे? क्या ऑल आउट हो गई होगी ऑस्ट्रेलिया? हार्ड मोड है, टेस्ट मैच है, चौथा टेस्ट मैच है सीरीज का, एशीज टूर्नामेंट में ही हम लोग खेल रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्किप करंट डे, मैं चाहता हूँ प्लीज बचा लेना। अरे वाह, 281 पे 5, मतलब कि भाई साहब यहाँ पर तो जबरदस्त इनिंग खेली है स्टीव स्मिथ ने, दिखा दिया है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ गेम रियल लाइफ में वो नहीं है भाई कि बड़े दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, बल्कि गेम में भी वो किसी से कम नहीं है भाई। दिल जीत लिया बंदे ने, दिल जीत लिया बंदे ने, मान गया भाई मैं इनको, लाजवाब परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये। और मैच अभी भी ऑन है, जिस तरह की पार्टनरशिप देखने को मिली है, ऑस्ट्रेलिया अभी भी मैच में बनाए, कल का दिन लाजवाब होने वाला है। इंतजार होगा आप लोगों का भी और मैं भी इंतजार करूंगा इसको रिकॉर्ड करने के लिए, कुछ घंटों के बाद रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन अभी के लिए Day 4 हो रहा है एंड, और आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी Day 5 में इस चीज़ के। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।